हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस अपडेट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं Su-30 MKI के लिए बनाए जाने वाले AESA रडार और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इस वक्त अपने सारे एसेट्स को मॉडर्नाइज करने में लगी हुई है और इसी कड़ी में इंडियन एयरफोर्स भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी को इनक्रीज करने की ओर वर्क कर रही है। आज जहाँ मॉडर्न वॉरफेयर में फाइटर एयरक्राफ्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार के गैलियम नाइट्राइट वर्जन को यूज़ करने को लेकर देख रही है, वहीं इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन कहे जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट Su-30 MKI अभी भी पुराने पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रेडार का इस्तेमाल कर रही है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो PESA जो कि एक फर्स्ट जनरेशन का रडार है, वहीं AESA एक सेकेंड जनरेशन का रडार है और इसके बावजूद भी हमारे सबसे मेन लाइन फाइटर जेट के अंदर एक फर्स्ट जनरेशन की रडार लगी हुई है। AESA रडार PESA रडार से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, रेंज और एक साथ बहुत सारे टारगेट को डिटेक्ट एंड ट्रैक करने में सक्षम होती है। इसके बावजूद इस वक्त Su-30 MKI के अंदर N011M बास रडार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मैक्सिमम ट्रैकिंग रेंज सिर्फ 200 किलोमीटर की है। ये रडार 15 एयर टू एयर टारगेट को ट्रैक और 4 को साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है, लेकिन ये परफॉर्मेंस Su-30 MKI जैसे जाइंट फाइटर जेट, जिसे हम मिनी अवॉक्स भी कहते हैं, जस्टिफाइबल नहीं है। क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल के लिए हमारे तेजस को ही ले लें तो तेजस में लगा हुआ उत्तम AESA रडार भी सेम टाइप या फिर इससे कहीं ज़्यादा ही परफॉर्मेंस देता है, जहाँ पर उत्तम की रेंज भी 200 किलोमीटर की है। साथ ही ये रडार 50 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकती है, जो कि Su-30 MKI की ट्रैकिंग टाइम से 3 times ज़्यादा है। और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा कोशिश की जा रही है कि Su-30 MKI के रडार बदले जाएं। इसके लिए DRDO उत्तम AESA के एक बिगर वेरिएंट के ऊपर वर्क कर रही है, जिसमें टोटल 1400 TR मॉड्यूल होने वाले हैं। DRDO इस वक्त टोटल 4 टाइप के रडार के ऊपर वर्क कर रही है, जिसमें से पहला है उत्तम MK1, जिसे तेजस MK1A के लिए बनाया जा रहा है। दूसरा है उत्तम MK2, इसे तेजस MK2 के लिए बनाया जा रहा है, जहां पर उत्तम MK1 में पहले ऐसा माना जा रहा था कि 700+ TR मॉड्यूल होंगे, लेकिन जब इसका फाइनल वेरिएंट निकलकर एरो इंडिया में सामने आया था, तब इसमें 900 TR मॉड्यूल थे और इसका मतलब साफ था कि तेजस की रेंज 200+ किलोमीटर से कहीं ज़्यादा होने वाली है, जहाँ वो 1 meter square वाले टारगेट को 120+ किलोमीटर पर ही पकड़ सकता है, और अगर टारगेट 2 meter square वाला हो तो तेजस उसे 150-200 किलोमीटर पर पकड़ लेगा। और अगर आप चाइना और पाकिस्तान के फाइटर जेट इन्वेंट्री को देखेंगे तो आपको सभी फाइटर जेट के रडार क्रॉस सेक्शन 1 meter square प्लस में ही मिलेगा। वहीं जो तेजस MK2 के लिए रडार बनाया जा रहा है, तो उसमें ऐसा माना जा रहा है कि 1100-1200 TR मॉड्यूल के आसपास होने वाले हैं, जिससे तेजस MK2 की लिथालिटी तेजस MK1 से कहीं ज़्यादा होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं Su-30 MKI के रडार की, तो Su-30 MKI के लिए जो रडार बनाया जा रहा है वो भी एक जॉइंट रडार होगी, जिसमें 1400 TR मॉड्यूल होने वाले हैं। और 1400 TR मॉड्यूल का मतलब है कि Su-30 MKI की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ कई गुना बढ़ने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि इस रडार का डेवलपमेंट साल 2025 तक कंप्लीट होने की संभावना है, जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि 2 Su-30 MKI को साल 2025 में मॉडिफाई करके ये रडार उसमें इंस्टॉल किए जाएंगे, जिसके बाद इसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। 2 साल की कंप्लीट टेस्टिंग के बाद साल 2027-28 तक Su-30 MKI के रडार चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही साल 2027 तक Su-30 MKI को अस्त्रा MK2, रुद्रम 2 और ब्रह्मोस NG से भी इक्विप्ड कर दिया जाएगा, और इसके बाद Su-30 MKI की जो पावर होगी वो एयर डोमिनेंस वाली होगी, क्योंकि Su-30 MKI अपने मनूवर के कारण जाने जाते हैं। और जब Su-30 MKI एक ऐसे रडार से इक्विप्ड होगी जो हमारे एनिमी टारगेट को काफ़ी ज़्यादा लंबी दूरी से पकड़ने और उसे हिट करने की कैपेसिटी से लैस होगी, तो सोचिए कि Su-30 MKI किस मोड में ऑपरेट हो रही होगी। DRDO द्वारा इसके अलावा जो फोर्थ रडार बनाया जा रहा है वो गैलियम नाइट्राइट वाले AESA रडार हैं, और अगर Su-30 MKI को गैलियम नाइट्राइट वाले उत्तम AESA रडार से इक्विप्ड किया जाता है, तो ये इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ में एक न्यू रिवॉल्यूशन ला देगा। वैसे तो गैलियम नाइट्राइट बेस्ड रडार AMCA और TDBF के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि इसके बेसिस पर Su-30 MKI के लिए भी एक बिगर रडार बनाया जाए। तो इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।